हमीरपुर पुलिस ने 80 लाख का अवैध गांजा पकड़ा। 8 कुंतल अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार। एक जनपद से दूसरे जनपद भेजा जा रहा था अवैध गांजा। हमीरपुर पुलिस ने किया बड़ा पर्दाफाश, जहां आचार संहिता के अनुपालन में चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध ट्रक में लदे 40 बोरियों में 8 कुंतल अवैध गांजा बरामद करके दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर जनपद के बीमार थाना का है, जहां हमीरपुर पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व पर पूरे जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर ट्रक से नशीला पदार्थ बीमार मुस्करा होते हुए महोबा जाने वाला था, जहाँ बीमार थाना के मौदाहा तिराहे पर पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को रोका, जिसमें 40 बोरियां में 8 कुंतल अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने कहा कि थाना मौदाहा का रहने वाला अभियुक्त छत्तीसगढ़ में रहकर काफ़ी समय से मादक पदार्थों का ये अवैध कारोबार का बड़ा माफिया है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही। पकड़ गया, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितनी गाड़ियाँ इस पर? आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में बीवार थाना में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक में कुल 8 क्विंटल गांजा, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है, और ट्रक जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, ये पकड़ा गया। ये बेसिकली रायपुर से ये ला रहे थे और महोबा ले जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पकड़े गए। इसमें से दो अभियुक्त दानिश और रईस खान मौके से गिरफ्तार हुए, और 4 शिबू, फरीद, हारून और आरिफ, ये लोग, इनकी गिरफ्तारी शेष है। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि ये बेसिकली मौदाहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और रायपुर में रह करके ये इस कारोबार को अंजाम देते हैं। वहाँ से ये विभिन्न जनपदों में भेजते हैं, बेसिकली उड़ीसा से ला करके फिर रायपुर लाते हैं। रायपुर से ये महोबा और आसपास पूरे बुंदेलखंड और कई प्रदेशों में ये गांजे का कारोबार करते हैं। इनके पास कई वाहन हैं, 8 ट्रकें पता चली हैं और भी गाड़ियां हैं। एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसका पर्दाफाश हुआ है, और इसमें दुर्गविजय जो SO बीवार हैं, इनकी टीम को 25,000 रुपये का इनाम प्रदान किया जा रहा है। साथ ही इस पूरे गैंग के अनावरण के लिए लगातार कोशिश जारी है। ठीक है, हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए विशेष संवाददाता सीतू सेंगर की रिपोर्ट।